हाय हेलो वेलकम अगेन जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट वैकेंसीज़ आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से तो इस वीडियो में हम इस जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वैकेंसीज़ के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इस सभी के बारे में देखेंगे हम पहले ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वेटेड फ्राम इंडियन सिटीजन्स जो जो कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको अप्लाई कर सकता है लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जब आते हैं तब देखेंगे कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है तो यहाँ पर पोस्ट नेम जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, 210 वैकेंसीज़ है ग्रुप भी नॉन गजटेड है और सैलरी स्ट्रक्चर देखिए लेवल सिक्स ऑफ पे मैट्रिक्स विथ इनिशियल बेसिक पे ऑफ रुपीज़ थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ये इनिशियल है द अप्रॉक्सिमेट ग्रॉस सैलरी एज़ पर एक्जिस्टिंग रेट ऑफ अलोवेंसेस इंक्लूडिंग एच आर कम्स टू रुपीज सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्सटी एट पर मंथ ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज ये वैकेंसीज चेंज भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन सो कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी है इसको करने के लिए बैचलर्स डिग्री ऑफ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम स्पीड ऑफ थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन फर्स्ट तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी कौन से भी बैचलर रहेंदे बी ए रहेंदे बी एस सी दे बी कॉम दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस वन मिनिमम स्पीड ऑफ थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर और आपकी मिनिमम स्पीड जो है की डिप्रेशन थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट आपको करना है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन बेसिक नॉलेज जो है वो रहना चाहिए एज रिक्वायरमेंट कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 इयर्स एंड अबो 30 इयर्स सो मैक्सिमम 30 इयर्स कैन अप्लाई फॉर दिस वन मिनिमम 18 इयर्स एंड एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स रिजर्वेशन एज पर दवेंट रूल्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपियर इन द टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स तो इसकी यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न क्या है ये दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस आंसर्स कंटेनिंग हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन की एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल एम सी क्यूज रहेंगे उसमें 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस रहेंगे और काम्प्रहेंशन के 25 फाइव 25 ट्वेंटी फाइव जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन ट्वेंटी फ़ाइव जनरल नॉलेज क्वेश्चन सो फिफ्टी में जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन रहेंगे ट्वेंटी फाइव जनरल एप्टीट्यूड और ट्वेंटी फाइव जनरल क्वेश्चन रहेंगे तो ये आपके हंड्रेड एम सी क्यूज़ क्वेश्चन है टू आवर्स देर विल भी नेगेटिव मार्किंग ऑफ वन बाई फोर्थ मार्क्स एक चौथाई मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर तो ध्यान में रखना है ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चनस पहले तो हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर के रिलेटेड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चनस रहेंगे और टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विथ मिनिमम स्पीड थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स मिस्टेक्स अलाउड थ्री परसेंट सो थ्री परसेंट मिस्टेक्स को छोड़कर बाकी का जो भी आपका काउंट हो जाएगा यहाँ पर सो टेन मिनट्स टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा स्किल टेस्ट उसमें आपको थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट को आपको की डिप्रेशन करना है और फोर्थ वन है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रहेंशन पैसेज प्रिसाइज राइटिंग एंड एस राइटिंग इसके लिए आपको दो घंटे का समय दिया गया है बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट में मिलेगा तो वहाँ पर डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये आप इसकी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट सी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन इसको आप पर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यस सी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन और फीस जो है अप्लीकेशन फ़ी ऑफ रुपीज़ फ़ाइव हंड्रेड फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओ बी सी कैटेगरीज एंड रुपीज़ टू फिफ्टी फॉर एस सी एस टी एंड सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑनलाइन फ़ीस भरना है कहाँ से कहाँ से भर सके द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ एटीन सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एटीन सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड द लास्ट डेट ऑफ इज़ टेन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दस जुलाई तक आप इस ऑनलाइन अप्लीकेशन को भर सकते हैं और बाकी सब इंफॉर्मेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ये आपको इस वेबसाइट में मिलेंगे So please visit the this website sci.government.in